अरे ब्रेक ही नहीं है इसका तो। वो मैं कैची मार के चला लेते थे। मैं पता लगे मैं नाच दूं और बेइज्जती हो जाए। मैं लॉजिक नहीं मैं मैजिक के पीछे भागता है। अच्छा, बंद हो गया। मेरे को भी यही लगा। 5 सेकंड लगा हम लेट हो गए बाहर खड़े रहने के चक्कर में। क्यों बाहर ही रहो। तो अभी हम लोग आए साइकिलिंग पार्क। पढ़ लो वो वाला, पढ़ते पढ़ते टाइम लग जाएगा मेरे को। कौन सा? पाला पिट्टा साइकिलिंग पार्क। ये हमारे पीजे के ऊपर से हम दिखाते नहीं थे, नीचे वो पार्क है, वो साइड में बोटानिकल गार्डन है। तो बहुत दिनों के बाद आज हमारा मुहूर्त निकल गया कि हम घूमने आएंगे। तो हम घूमने आए, एक तो वेदर भी बढ़िया हो रखा है। देखो बारिश होगा 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 तो बात, इसलिए जल्दी जल्दी करके निकल जाते हैं। चलो तो पालापिट्टा साइकिलिंग पार्क की टाइमिंग सही है 6 से 10, 4 से 6। अरे बजने वाले हैं 6, थोड़े देर में हम सही टाइम पे आ गए। तू तो बोला था कि 6 बजे की चलेंगे करके। कितना बजे अभी? अभी 4:30। चलो बाद में बतियाना। 59 पर आवर ठीक है। और मंथली सब्सक्रिप्शन भी है यहाँ पे। बस इतना ही था इन्फॉर्मेशन। यहाँ से घूमना चालू। ये एरिया में साइकिल का रिपेयरिंग। क्या बोली? आराम से चलो। किसको देना है ये? यहाँ यहाँ से अपना टिकट कटा, यहाँ टिकट दिया और यहाँ साइकिल। सर अंदर कैमरा आता है। अंदर वो साइकिल मिली है मैडम को, ये साइकिल मिली है मेरे को और हम दोनों चल रहे हैं आगे आगे। एक सेकेंड, क्या पास में क्या? दौड़ दौड़। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मोर, वाह। लोग समझ नहीं आता जब साइकिल चलाते, एक हाथ से साइकिल, एक हाथ से ये, एक हाथ से वो, सब कुछ बैलेंस कर लेते यार। मेरे तो यहाँ फट जा रही है, कैसे कैसे करके तो कांपते कूदते मैं कर रहा हूँ। लेकिन शॉर्ट भी तो जरूरी है, क्यों? तो इसलिए मैं कर रहा यहाँ पे। स्लोप आ गया ना तो साइकिल चल रही है खुद। ये देखो बिना पैडल मारे। ये तो मेरे से तो ना हो इतना। अभी टर्न आ गया, अभी टर्न आ गया, अभी टर्न आ गया, अभी लग गया मेरे। रुक जा, लाइन पे रह जाना मत। अरे ब्रेक ही नहीं है इसका तो। एक साइड का तो ब्रेक ही मैंने इसका निपटा दिया है। अरे अभी तो चल रहा था ब्रेक। अरे मैडम आगे चले गए रे, मैडम आगे चले गए। ये मैडम रुको, ये लगता है मेरे से टूट गया। ये चल रहा है भाई। पहले तो मैं साइकिल कंपटीशन में जीत जाती थी, अब ये सब बहुत टाइम बाद चला रही हूँ मैं। सच में मैं जीती हूँ। हाँ मम्मी से पूछना कितने सारे वो रखे हैं मेरे पास। स्लो साइकिलिंग फास्ट साइकिलिंग भाई, बहुत तेज चलाती थी फास्ट साइकिलिंग। अरे पापा की साइकिल होती है ना, वो मैं कैची मार के चला लेती थी। पापा बहुत डांटते थे मेरी साइकिल मत यूज़ किया कर। दोपहर भर वही प्रैक्टिस करती रहती थी मैं। अब तो ऐसे पहले तो दोनों हाथ छोड़ के भी चला लेती थी। दोनों हाथ छोड़ के अब मोड़ आया। एक मिनट रुको, मोड़ आ गया। मज़ा तो आ रहा है। कोई टकरा मत, पता चला आपस में ही ठुक गए। देखा इससे अच्छा तो मैं ही पकड़ ली। ए दूर जाओ। ओ ओ, ओ एक मिनट मम्मी। थोड़ा सा ओए ओए थोड़ा सा ब्रेकर आ गया है। ले हंस रही है। कैक्टस कैक्टस तेरे को भी कैक्टस बोल दिया। कैक्टस कितना बड़ा है ना। बड़ा तो है। पहली बार मैंने इतना बड़ा कैक्टस देखा। 6-6 फीट के इंसान नहीं देखे तूने? हाँ। रिश्तेदार देखे अब तो? ये थोड़ा सा विवाद वाला टॉपिक हो गया। कुछ बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा।
लोग बहुत आ रहे हैं। इतना लगता है कि ये वाले एरिया में ना, जहाँ अभी हम चल रहे हैं, ये इस वाले एरिया में पिकॉक बहुत सारे हैं। आवाज़ आ रहा है बहुत तेज तेज। मैडम कहाँ छोड़ के पीछे, आगे आगे तो आओ। जगह नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ही टेढ़ा टेढ़ा जा रहे हो उधर किसको। अच्छा अच्छा हो जाता है। अच्छा हुआ ना 6 बजे के बाद नहीं आए। मेरे हिसाब से तो 6 बजे के बाद भी खुला होता ही है। वो तो मैं जल्दी ले आई। चल चल हां, नहीं तो लग जाते अपन दोनों के। क्या होगा मेरे बिना यार। मोर 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 वहां है, वहां एक मोर है। हां वो नाचने को तैयार है। इतना नहीं दिख रहा लेकिन समझ में आ रहा है। नाचो नाचो। तो बारिश होगी तो नाचेगा। बारिश से पहले नाचते हैं वो। तो नाचने के लिए तैयार हो रहा है। वो भी देख रहा है ऊपर, नाच के बुलाते हैं बारिश को। वो भी देख रहा है ऊपर कि हाँ अब हो क्या रहा है, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। मैं पता लगे मैं नाच दूँ और बेइज्जती हो जाए। लोग इतने सारे आ गए यहाँ देखने। मैंने एक कहावत है ना, क्या जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किसने देखा तो बोल देना, हमने देखा। पता भी नहीं होगा ये कहावत। नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता। बढ़िया ना, सही लग रहा है ना। ये अपना सेंटर इलाका बोल सकते हो। सब आके यहाँ बैठते हैं, जिनका ख़त्म हो गया, जो स्टार्ट करने वाले हैं। ये बच्चों के साथ है तो मम्मियाँ, पापा, दादा, नाना, वो वाले कैटेगरी में जो भी है, समझ गए ना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, और मैं ध्यान दिलवा पाऊँगा, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग चुकी है अभी, और साइकिल सारे ख़त्म हो चुके हैं। मतलब लोग अभी वेट कर रहे हैं कि किसी का टाइम अभी ओवर हो और वो आके उसका साइकिल लपेटे। हम अभी अभी अपना साइकिल दे के आए हैं। अच्छा वो हम टाइम पे आ गए, नहीं तो हमें साइकिल नहीं मिलता। पता है वहाँ पे 100-200 साइकिल तो सारी ख़त्म हो गई, सब ले गए। तो इससे समय पे आ जाओ, 6 बजे के आसपास मत बना, हो सके तो जल्दी आ जाना, ठीक है। 4 बजे, 4:30 तक आ। सूचना जनहित में जाए। भीड़ भीड़ देखो, भीड़ मेरे को नहीं, भीड़ को देखो। लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं भीड़ को देख रहा हूँ। बड़ा मजा आ रहा है। इसलिए समय पे आ जाना, ठीक है। वो मच्छर भगाने के लिए धुआं कर रहा है। जिस रेट से धुआं कर रहा है समझ नहीं आ रहा कितने मच्छर भागेंगे। मच्छरों को कुछ फर्क भी पड़ेगा? मच्छरों का इलाका इतना बड़ा है कि धुआं कुछ कर नहीं पाएगा। उनके लिए अगरबत्ती के समान ना हो जाइए। अरे स्मेल आ गया है कुछ नया, ऐसा ना हो। हल्का हल्का धुआं कर रहा है। जितनी इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से तो इसको आधे एक घंटा खड़ा रहना पड़ेगा पूरा एरिया में करने के लिए ना। मोर मोर। हाँ अगर वो वाला पत्थर में थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो वहाँ मोर खड़ा है और सुबह वो नाच भी रहा था पिछले 2 दिन से, मतलब हाँ 2-3 दिन लगातार आजू बाजू थोड़ा सा वो नाच रहा है। बढ़िया, मैं देखा एकदम मस्त नाचता है भाई। एकदम अपना जवानी के दिन उसके फूट रहे लगता है, क्योंकि जब भी नाचता है उसमें बारिश तो नहीं होती। आजू बाजू मोरनियाँ घूमती है। और वहाँ पे सनसेट देख लो भाई। वो सनसेट से मेरे को बड़ा ऑब्सेशन है। अगर मेरे पास कभी ज़िंदगी में बहुत पैसा हो ना, तो मैं घूम घूम के अलग अलग जगह का अलग अलग एंगल से सनसेट देखना चाहेगा, बस और कुछ नहीं। मेरे को बड़ा ये खुला आसमान, ऐसा खुला खुला एरिया बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। मतलब ज़िंदगी जीनी है तो खुली जगह, खुले में एकदम बढ़िया चौड़ में, कि ना यहाँ बिल्डिंग ना वहाँ बिल्डिंग, बस आसमान, ऐसे लेटो और आसमान देखो, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मैं उतना अमीर नहीं है कि ये ख्वाब पूरा कर पाऊँ। देखते कभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ख्वाब ख्वाब। और यहाँ पे अभी मैडम बना रही है दाल, बड़े दिनों बाद। अच्छा तो बन रहा है वैसे। इसको बंद करो, इसको थोड़ा 1-2 आराम से। और यहाँ पे बन रहा हमारा चावल। और मोहतरमा यहाँ पे धो रही है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर पे थोड़ा गौर कीजिएगा, इसका पीछे भी एक स्टोरी है। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले, तो ये जो टेबल देख रहे हो ना, एक टेबल वहाँ रहता था और उसके ऊपर कुछ बर्तन रहते थे।
तो मैंने वहाँ पे एक वो देखा था पैसे कुकर जिसके ऊपर थोड़ी धूल जमी हुई थी। अब मेरे को लगा कि कोई यूज़ करता होगा, नहीं करता होगा, लेकिन हम डायरेक्टली तो यूज़ कर नहीं सकते। अब थोड़े दिन पहले अब यहाँ जोलो का अपना इंस्पेक्शन हुआ, तो यहाँ की जो नीचे केयरटेकर है वो दीदी ने क्या किया, यहाँ जितने भी बर्तन थे सब कुछ उसके अंदर डाला और नीचे रख दिया। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद मतलब एक दो हफ्ते के बाद वो अपना वो थैला ऊपर आया, तो लोग कुछ उसको यूज़ नहीं कर रहे, वो पड़ा का पड़ा ही है। अब मैंने एक कुकर बहुत पहले से बुकमार्क कर रखा था कि हाँ भाई ये एक है, तो आज हमने उसको निकाला, अच्छे से धोया, साफ किया, काम कर रहा था कि नहीं चेक किया और अपना दाल बना दिया। बस हम उसको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह नहीं, दाल बनाएंगे और रख देंगे, बस जिसको जो करना है कर ले। गा ऐसे नहीं गाऊंगा। कैसे गाएगी फिर? अकेले में गाते हैं। अच्छा सुरताल तेलो नहीं, हो गया बस। तुम गाओ, मेरे को तो आता ही नहीं। दिन भर गाते रहेगी और जब बोलूंगा करो नहीं, गाओ नहीं, दिन भर रूम में नाचते रहना, जैसे ही खुल गया अपना मोबाइल रील बनाने निकले। यही तो कुछ टैलेंट हिडन ही रहना चाहिए, पब्लिक के लिए नहीं लाना चाहिए, नहीं तो टैलेंट नहीं रहता। अच्छा वहाँ मैडम खुद को रिकॉर्ड कर करके देख रही है और मैं आसमान देख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, बिना दिमाग लगा के बिना दिमाग में कुछ सोचे और आसमान था, मज़ा आ रहा भाई। मैं तो कहीं कहीं घूमने पर जाता हूँ तो यही करता हूँ, मतलब कोई बिल्डिंग देख लिया, कुछ देख लिया, बस ताड़ो, अरे मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, मज़ा आ रहा है। ये मैडम हमारे आर्किटेक्ट है ना, तो ये थोड़ा आगे पीछे अगाड़ा पिछाड़ा थोड़ा देखती है किसने बनाया, क्यों बनाया। ये मैडम को थोड़ा इंटरेस्ट आता है क्यों कैसे बनाया। हाँ मैं तो बस वेट करता हूँ कि मेरा दिमाग एकदम ऐसा हो जाए कि क्या देख लिया, अरे भाई साहब मजा आ गया। मेरे को दिमाग नहीं लगाना किसने क्यों बनाया, अरे क्या देख लिया, क्या है ये, अच्छा लग रहा, बस ये चाहिए मेरे को। कोई नहीं, कभी कभी ऐसे ही इंसान खुशी रहता है, बस अच्छा लग रहा है। मैं लॉजिक नहीं, मैं मैजिक के पीछे भागता है। तो चलिए फिर ये वाला ब्लॉग को ना हम यहाँ पे खत्म करते हैं। एक्चुअली मैं होता गया, जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना तो मेरे दिमाग में आइडिया नहीं रहता कि ब्लॉग कितना खींच रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं एडिटिंग में बैठता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं एडिट कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे चल रहा है, तब मेरे को मालूम चला कि 12 मिनट का ब्लॉग तो खींच गया, इससे ज़्यादा बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। सेंस नहीं मतलब मेरे पास चीज भी नहीं है, तो मैं बताऊंगा क्या, थोड़ा कहानी बचा के रखूंगा तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कुछ डाल पाऊंगा ना, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहो। टाटा टाटा।